मालिक को मालूम नहीं होगा कि गाड़ी यहाँ पर भी है, वो उसका का हालत देखो। देखो यार क्या बोलेगा यार। चैनल एंड न्यू एपिसोड। सो आज का ब्लॉग भी सिलीगुड़ी से हो रहा है। तो आज हम जा रहे हैं सिक्किम, जहाँ पर टिस्टा नदी है, वहाँ पर से कितना तबाही लाया हुआ है। तो आज फाइनली हम जा रहे हैं ऑन ग्राउंड। तो अब बजने वाला है 8, अब निकलते फटाफट यहाँ से। तो साइमन निकल रहे मेरे साथ और शिवी स्कूल जाने वाला है और अम्मा झाड़ू पकड़ के बैठा है और बुनू फुचे को सुसु करा रहा है। था से ना बुक कर टाइम लगता वाला बोले। सो गाइस फाइनली निकलते हैं कॉल स्टार्ट। हाँ कॉल स्टार्ट आगे करेगा बिहान कॉल स्टार्ट कर रहा पुश पास कर रखे। सो अच्छे से जाए गोट आराम से और राइट सेफ हो है कि नहीं प्रे करना पड़ता है। चलो रेडी। सो गाइस फाइनली हम निकल गए यहाँ से। सो देखते हैं यार आज टिस्टा में कहाँ तक पहुँचते। कल तो मैं वापस हो रहा हूँ, इसका वजह से ऐसा जब भी मैं लॉन्ग राइड ऐसे निकलता हूँ बोलता हूँ ना, टाइम इतना कंजक्शन हो जाता है क्या बोलेगा यार। जब भी निकलता हूँ बोलूँगा उस टाइम में काम निकल रहा है। तो अभी मेरा जो शॉप है जो लीज में दिया हुआ है तो उसी का आज भी मीटिंग है मेरा शाम को। तो सुबह का था तभी मैंने बोला शाम का शेड्यूल बनाया, क्योंकि अब मेरे को अगर उन लोग सुबह आएगा कि क्योंकि उन लोग पंचुअल नहीं है, जिसको मैंने लीज में दिया है उन लोग पंचुअल नहीं है किसी में भी। इसका वजह से उन लोग को बोला कि शाम को आओ, क्योंकि मैं शाम से आऊँगा तो सारे लोग को रुकते रहूँगा ना। तो ये रोड है ना गाइस, यहाँ से ब्लू मून जाता है, जो कि बाबू भैया बैठे थे इस टाइम लास्ट टाइम, जो उसका लास्ट आया था उस टाइम में। सो गाइस अभी स्कूल का टाइमिंग हो गया ना, देखो बस पूरा निकल रहा है। ये देखो यहाँ से भी स्कूल का टाइमिंग में सुबह और शाम को ना यहाँ पर इतना जाम होता है ना, और यहाँ पर पूरा का पूरा स्कूल कॉलेज हो गया। ये डीपीएस स्कूल का है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और वहाँ पर है टेक्नोलॉजी स्कूल, लॉ स्कूल। तो इसका वजह से ना इतना जाम हो जाता है यहाँ पर। तो इस समय में निकलना भी माँ भारती है। इधर भी फ्लाईओवर बना देना चाहिए था यार, हम गलती निकल गए क्या यार। ये रहा दिल्ली पब्लिक स्कूल गाइस, जो ये वाला है ना दिल्ली पब्लिक स्कूल। सो गैंगटॉक है यहाँ से 113 किलोमीटर, जलपाईगुड़ी 47 किलोमीटर, गुवाहाटी है 526 किलोमीटर, कोलकाता है 580 किलोमीटर यहाँ से। तो हम पहुँच चुके हैं अभी एग्जैक्टली दार्जिलिंग मोड़। सो जो नीचे होके जाएगा ना गाइस यहाँ से, ये जाता है मार्केट होके निकलता है, और सिक्किम के लिए जाना है तो ये स्ट्रेट है, और यहाँ से गुवाहाटी भी निकलता है ये रोड से ना, टिस्टा होके सीधा निकलने से गुवाहाटी निकल जाता है। सो गाइस जो जोधपुर जो आया था लास्ट टाइम मीटअप यहाँ पर किया था, यहाँ पर ही था ये मॉल में। तो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसका वजह से देखो रोड, मगर रोड एग्जैक्टली जो है ना वही है पहले वाला। तो अभी देखो यहाँ से बड़ा फोर लाइन बनने वाला है यहाँ पर भी। जो ये है ये बंगाल सफारी, ये देखो यहाँ से बंगाल सफारी शुरू है गाइस, बहुत बड़ा है। जो ये है बंगाल सफारी। मैं तो एक बार सिर्फ आया था यहाँ पर, तो देखते हैं कभी कभी टाइम मिल गया तो आके एक्सप्लोर करेंगे बंगाल सफारी में भी। ये रहा रेलवे ट्रैक,
यहाँ पर ऑफ हो गया यार। यहाँ पर ड्राइव बहुत स्लो और सेफली करना, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सीडेंट होता है फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स यहाँ पर नहीं होता इतना जितना फोर व्हीलर्स होता है। तो जब भी हो तो आप लोग सेफली ड्राइव करिएगा। सो गाइस हम टिस्टा नदी का उधर पहुँच चुका है, तो यहाँ से टिस्टा गुवाहाटी होके जाता है और ये हो गया गैंगटॉक और उसके लिए। और मेरे को यहाँ पर फ्यूल अप का साइन दे रहा है, मेरे को डर लगने लग गया, बहुत धूल है यार गाइस। ऊपर से हाफ टी शर्ट ला के आया यार मैंने, लॉन्ग जैकेट ला के आने से भी ठीक था यार। यहाँ से गाइस और वो रहा एक डैम इधर है, पता नहीं ये डैम का कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई देख के गाड़ी का कहाँ जा रहे यार, ये रहा एक डैम, एक तो ये रहा, यहाँ पर तीन ना चार डैम होगा गाइस। अरे बाबा उस टाइम में क्या फील हुआ होगा यार, जो जो यहाँ पर था यार, हम उसका बयान भी नहीं कर सकें कुछ भी। ये पहले ना गाइस पूरा डाउन था यार, पूरा डाउन था ये वाला रोड। सो गाइस और एक बार फिल अप करते यार, ब्लिंक कर रहा है तो आगे भी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा ना क्या, तो इसलिए डर लेते हैं। 29 मील में पहुंच चुका है। सो देखो गाइस पूरा का पूरा तबाह कर दिया था यहाँ से यार, जो रोड कनेक्टेड था वो भी आगे से ना पूरा ख़त्म कर दिया था। जो ये पानी का लेवल यहाँ तक आया था होगा रे ऊपर, ये देखो यार मुझे तो यहाँ से इतना वो लग रहा है पता नहीं, और ऊपर क्या होगा हालात यार। रोड तो यहाँ पर ही था गाइस, रोड वो देखो गाइस पूरा जाम लगा हुआ है, जो रोड कनेक्टेड जो टूटा हुआ था यहाँ पर ही था, पता नहीं क्यों रुका के रख दिया। तो यहाँ पर अभी ना गाड़ी टर्न बाय टर्न करके छोड़ रहा है गाइस, तो एक साथ तो नहीं होगा इसलिए टर्न बाय टर्न। ये रोड लोग कुछ भी नहीं था पहले, है ना भाई। एम्बुलेंस का वजह से ना गाइस यहाँ से तो बिल्कुल रास्ता नहीं था यार पहले, जो एग्जैक्टली पूरा का पूरा रोड ना गाइस कनेक्टेड नहीं था यहाँ से, यहाँ से पूरा बंद था। अगर यहाँ कर भाई बहुत जल्दी कर दिया, रोड खोल दिया ना, नहीं तो तकलीफ होना था सबकी को ट्रांसपोर्ट के लिए, है कि नहीं। और सिक्किम का एक अच्छा लगा कि रेट नहीं बढ़ाया होगा खाना पीने का ना, नहीं तो मैक्सिमम लोग क्या कर देते बिजनेस वाला लोग तो रेट बढ़ा देता है, 10 रुपये का सामान 50 रुपये बोल देता है। बस देखो ये जितना घर वो घर दिखाई दे रहा है, ज़ूमिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ से पूरा नीचे तक घर था वो, और यहाँ का घर तो है ही नहीं। ये देखो उसका सिर्फ कुछ टुकड़ा है, वो जो वॉल लगाया ना वॉल स्लाइड होके गया हुआ है। पॉप रे पॉप, अब हम इधर ही खड़ा है जिस। सो रोमपू तक चलते हैं, रोमपू से देखते हैं क्या हुआ है। एग्जैक्टली वो गाइस स्टेडियम में, मैं घर सोच रहा था स्टेडियम में एग्जैक्टली जो ये दिखाई दे रहा है स्टूडियो में, स्टूडियो में हो ना, क्यों स्टूडियो में है ना, तो दिया स्कूल को के हुई बोला हूँ। सो गाइस देखो कितना नुकसान कर दिया यार, ये घर का ऊपर फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर तो नीचे में है, पूरा बालू देखो यार कसम से, कितना नुकसान हुआ होगा यार। ये तो निकाल के फेंका है, अभी रिसेंट बना रहा, अभी जस्ट बना रहा था, यहाँ का तो चला गया है जितने इधर के इधर का ना, कितना पैसा इन्वेस्ट करके किया था यार। बैंकर ने हाँ बैंकर ने नुकसान बोके भाई, यहाँ का मुझे निश्चित पाई कि पाए ना बोलो। चलो सो गाइस निकलते, एक्चुअली मेरे को रोड पता नहीं लगा कि वहाँ से दो रोड है, तो मैं यहाँ से ऊपर आ गया क्योंकि ये पूरा फिलअप हो गया ना, इसका वजह से पता नहीं लग रहा था रोड भी ना, इसका वजह से लो सर को
तो अभी रोंगटन बाजार चलते, देखते हैं कैसा हुआ है। अभी यहाँ से तो पूरा रोंगटन तो सोचो कि पूरा पूरा डैमेज हो गया। इसका वजह से मेरे को पहचान मत, इसका नहीं नचिने को था जो ये पूरा पूरी अंदर नहीं है, इसका नहीं नचिने को ना मैले। सो गाइस ये रोंगटन में पहुँच चुका अभी हम तो। एग्जैक्टली हम लोग को यहाँ से आना था तो हम आए वहाँ से घूम के, क्योंकि ब्रिज भी नया बनाया हुआ है और ऊपर से क्या हो गया वो ब्रिज पूरा फुल हो गया ना फिलअप, इसका वजह से मेरे को कन्फ्यूज हो गया। तो कुछ खा लेते अभी, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते यार, उसके बाद देखते हैं नीचे जाके थोड़ा देखते हैं। 11 बजने वाला है तो देखते कहाँ कहाँ पर खाए। सो गाइस मेरे पेट पूजा करते राइस, शक दाल पिकल सलाद चिकन बनाया हुआ, तो ये खाना खाते उसके बाद तुम को बताइए नीचे में जहाँ पर नदी के सामने जहाँ पर क्या क्या हुआ ना, तो उधर जाते हैं, उधर जाते मिलते हैं। तो अभी मैं फटाफट खाना खा लेता हूँ, उसके बाद नीचे मिलते। खाना खा लिया, हम आगे जो ब्रिज से आए थे वहाँ से नीचे जाएंगे गाइस। चेक करें गाइस यार नदी कहाँ तक आ चुका था जो कि इतना नुकसान कर दे। यहाँ पर घर था सब यार, ये घर देखो टीन इधर है इसी के ऊपर, तो आगे जाके देखते हैं यार। यहाँ का तो बच गया जैसे तैसे यार, यहाँ का तो सब चला गया। वो घर देखो घर ही पूरे को सहता हुए। ये ट्रक ये निकालेगा था, ये गैस निकाला हुआ है अंदर से ने कति नुकसान भयो होला यो गाडीको नि, हिलोमा डुबेको थियो नि त निकालेको नि त। मगर यतातिर यति इफेक्ट भएन रहेछ नि, यहाँको त पुरा घर गयो नि त। हाम जहाँ पर खरेन गैस यसका निचे बहुत सारा घर है। वो एक गाडी देखो कहाँ से पहुँच के आया हुआ है। इस गाड़ी का हालत देखो, कहाँ से आया होगा पता नहीं यार, इतना दब के बैठा हुआ है। बाप रे बाप, नया गाड़ी वाला यार। और ये घर देखो गाइस क्या बोलेगा यार, ये देखो अभी भी चल रहा है काम यहाँ पर। निकालने भोको यो घर हो ना कि ऑफिस दुकान थियो, यो घर ही थियो। ये देखो बस इतना नीचे और नीचे है इसका, तभी भी अभी भी देखो ऑनर लुक्स कैसा निकाल रहा है घर का अंदर, अंदर से निकाल रहा है अभी भी। एक बार खींचिए तो मेरे को कोई बात छा। 1 2 3 थैंक यू। यहाँ पर भी देखो गाइस सब कुछ ख़त्म है यार, कुछ भी निकलने नहीं मिला लोगों को चांस यार। राइट गाइस सच बोलो ना कितना घर डूबा होगा यार। ओ माय गॉड देखो गाइस यार यहाँ पर दिखाई दे रहा गाइस, किसका होगा यार कुछ मालिक को मालूम नहीं होगा कि गाड़ी यहाँ पर भी है वो उसका। माय गॉड यार ऐसा दिन किसी को भी देखने ना मिले यार। शिट इसको रिकवरी करने के लिए टाइम लगेगा। वहाँ देखो अभी भी निकाल रहा है, ओह निकाल दे सीधे सब का सब, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ यार। इतना है कि रास्ता खुल गया बस, नहीं तो वही है। ये देखो गाइस
ये देखो गाइस लाइन दिखाई दे रहा है, ये घर का अंदर कितना पूरा हुआ है, बाप रे बाप। ये पानी लेवल नहीं है, ये देखे थे तो, ये देखो क्या कर स्टॉक था रे, मेडिसिन स्टॉक का होगा, गाड़ी को तो हालत ही नहीं है कुछ रुक के। जो आप लोग को लाइन दिखाई दे रहा है कैसे इतने दो पर मैं तक आया था पानी का लेवल, यानी सोचो कि आप ग्राउंड फ्लोर ख़त्म, ग्राउंड फ्लोर पूरा ख़त्म। ये घर देखो, ये घर तो पूरा पूरा हुआ था, इसको भी निकाल रहे हैं। ये तो फैक्ट्री होगा, कुछ फैक्ट्री होगा, ये तो फैक्ट्री ख़त्म। कितना निकाला होगा यार माटी लोग, फिनेल लगा के काम कर रहा है गाइस, इतना वो स्मेल जो आ रहा है ना माटी का, मत पूछो। पूरा काम चलता सुनते, पूरा काम चल रहा है इधर। चलो चेक करेगा इस यार, दरवाजा तो बंद है पूरा, जब आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है फुल अप बंद है। यहाँ पर पूरा फिनेल आ रहा है ऐसे, नहीं फिनेल नहीं तो ऐसा गन मारेगा ना गाइस। मैं नीचे में आगे जो गया था वो जगह में ऐसा गन मार रहा था, ये पूरा टूटा रहा निकालेगा होता दरवाज़ा आपका जगह सुन दानी वॉल टूटा हुआ। जो गाइस आप लोग को ये दिखाई दे रहा है छंदा छंदा घर का, वह जो मेन डोर आगे से तो डोर तो बंद हो गया, तो इसका वजह से पीछे से तोड़ के निकल रहा है ये सब। ये देखो पूरा तोड़ के निकाल रहा है, यहाँ देखो गाइस जमीन कहाँ पर है, टाटा कहाँ पर है, इसके नंबर ये वो भी खींचता फोटो, बाप रे बाप। पूरा हिला भी निकल रहा है इस यहाँ पर, चेक करें कसम से गैस इतना खतरनाक ना। देखो यार ये किचन का टॉप फ्लोर का आपको मालूम ही होगा। ओह यार सच में गैस यार, ये चेक करें गैस, ये घर ये तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर होगा, और इसका तो देखो गैस छत पे ही है। इवन ये टर्मिनल देखो ना इतना सामने, ये जो ब्रिज है ब्रिज का, भगवान यार अभी भी देखो रिकवर क्या होगा यार, जो ऊपर में जो जितना ऊपर वाला है वो रिकवरी है, और जितना इधर बैठा हुआ उसका तो क्या रिकवरी करेगा गाइस यार, कंप्लीट होने के बाद भी क्या करेगा यार। बहुत ज़्यादा नुकसान यार, बहुत ज़्यादा काम तो चल ही रहा है अभी भी यहाँ पर। ये घर देखो, ब्रिज देखो ना यार गाइस, ब्रिज को ऊपर ही पहुँचने वाला है ये बालू, तो घर तो कितना नीचे होगा, बहुत ज़्यादा नीचे। गॉड क्या होगा, जिस दिन ऐसा घटना हुआ उस दिन में क्या होगा यार, खुद अमेजन कर रहा है यार गाइस, अभी भी निकल रहा है यार। ये तो टॉप सबसे ऊपर वाला है, ग्राउंड फ्लोर तक ख़त्म। अब ब्रिज का ये देखो हाथ से पहुंचने वाला है, ये देखो यार
स्लैब्स देखो। अब यहाँ से नीचे भी होगा शायद जाने के लिए, मगर कहाँ से जाएगा वो सर, स्टे भी तो नहीं है। और ये घर देखो यार गाइस, ये तो पूरा छत छत ही के लेवल में, छत का लेवल में। और ये तो बच्चा नया बनाया हुआ था वह, इसका तो और पूछो मत, नीचे जाएगा बोले कैसे जाएगा। देखो यार क्या बोलेगा यार, प्रे करने की जिंदगी में ऐसा फिर ना हो बोल के ना गाइस, सच में पता नहीं ये घर अब कब निकलेगा जो ये इतना अंदर गया हुआ है। अब देखो ट्रक लोग चल रहे हैं, हम चल रहे हैं एक घर का ऊपर, जो कि इसका ढलाई का वो भी नहीं निकाला है, ऊपर का जो ढलाई किया है ना गाइस वो भी अभी तक क्लियर नहीं किया हुआ है, और नीचे पूरा का पूरा बालू। अब इसको कब क्लियर करेगा, कब रहने लायक का बनाएगा फिर पता नहीं। और वो साइड तो मैं गया नहीं गाइस, वो साइड में इतना क्योंकि स्मेल ज़्यादा आ रहा है, और जो आगे में जो बाइक लेके गया था वहाँ पर तो फिनेल वो लगा के रखा था, इसलिए इतना पता नहीं लग रहा है, मगर अभी इधर का तो थोड़ा स्मेल आ रहा है, इसलिए ना ये घर तो टूट के गया। किचन का टॉप जो चिमनी ना क्या बोलते ना गैस, निकल से लकड़ी जला के ये फेंकते ना, तो सोचो चला गया नीचे का सबका सब। प्रे कर देना दोस्त जल्द से जल्द रिकवरी हो बोल के, और क्या कर सकते हैं हम लोग, खरीदने तरीका सिवा। चेक कर गए जाम जाम, तो अभी हम वहाँ से तो निकल गए, तो थोड़ा मूड भी नहीं हुआ बनाने के लिए ना, दिल एक भारी सा फील हो गया, इसकी वजह से वहाँ से निकल गए। अभी हम अब निकल रहे सीधा घर के लिए। पूरा लाइन देखो इस ऊपर से फिर स्लाइडिंग भी, कुदरत से कोई भी नहीं जीत सकेगा गाइस, इसलिए कुदरत को इज्जत देना चाहिए बहुत, हम उसको इज्जत नहीं देंगे वो भी हमको इज्जत नहीं देंगे, इसलिए खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम तो पहुंच चुके हैं सालबड़ी, बाइक वॉश कर रहे थे, उधर बहुत सारा कीचड़ था धूल था, तो वॉश तो बनता है ना, है कि नहीं। तो गाइस ये रहा था पर कार वॉश, तो इधर ही चलते हैं। तो ये रहा था पका वॉश गाइस, इसका देखो गाइस पूरा काला काला होके बैठे बाइक से आके देखो गाइस जब राइडिंग में राइडिंग के लिए निकलते हैं ना थक जाता है ना, कहीं कभी सो जाता है, वो सो चुका है ये सो रहा है इधर। सो गाइस इस ऑलरेडी 8:05 हो चुका है, तो हम लोग वहाँ से आके फिर इतना थक चुका था ना, तो बाइक को भी सर्विसिंग करा दिया, तो उसके बाद घर पे आया, घर पे आके हाथ में भी नहीं धोया ऐसा, मीन्स फर्स्ट हफ्ता तो कर लिया मगर ड्रेजेंस भी नहीं करके ऐसे बैठा हुआ है। और क्या बोलेगा, आप लोग ने देखा होगा क्या क्या हुआ है सिक्किम में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना जितना हो सके, और प्रे करना फॉर सिक्किम है कि नहीं दोबारा फिर ऐसा ना हो घटना बोल के। सो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करता हूँ, आई होप आप लोग को ये वीडियो ये सीरीज अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज रोलिन थापा, बी सेफ एंड राइड इट सेफ गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।